जयपुर के साधकों को हमारा प्रणाम। श्री कृष्ण ने तीन तरह के लोग संसार में बताए हुए हैं, जिन्हें कि वे तामसिक, राजसिक और सात्विक कहा करते थे। तामसिक वो लोग होते हैं कि जो अच्छा और बुरा, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं पहचानते, पर अधिकतर अशुभ के ही ओर दौड़ते, अधिकतर गलत चीज़ों के ओर दौड़ते। जब वो अति इसमें घुस जाते हैं तो भूत विद्या, प्रेत विद्या, स्मशान विद्या आदि चीज़ों से अभिभूत होकर उसी की ओर उनका आकर्षण रहता है। और जो लोग राजसिक होते हैं, जैसे कि हमारे पाश्चिमात्य देशों में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, और अब हम लोग भी उनके जैसे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होने की वजह से और उनकी बातें सीख सीख करके काफ़ी हम में भी उनकी आदतें आ गई हैं, कि वो लोग अच्छा और बुरा दोनों का अंतर नहीं जान पाते। उनके लिए सभी अच्छे हैं और सभी बुरे हैं, ये अंतर वो जान नहीं पाते और अहंकार के बूते पे ही वो जीते हैं। कोई चीज़ उन्हें पसंद आ जाए तो वो अच्छी है, जो ना पसंद आ जाए वो बुरी है। तीसरे लोग होते हैं जिन्हें कि मैं साधक कहती हूँ, ये सात्विक प्रकृति के लोग होते हैं। सात्विक का मतलब ये नहीं कि वो कठोर तपश्चर्या करते हैं, खान पीन का विचार करते हैं आदि, कि तो सात्विक आदमी जो होता है कि वो अपने अंदर एक संतुलन बनाए रहता है, किसी भी अति पर एक्सट्रीम पे नहीं जाता, किसी भी अतिशयता पे नहीं आता, कोई भी चीज़ में अति पर न जा करके अपने विवेक बुद्धि से जो अच्छी चीज़ होती है उसे स्वीकार करता है। ऐसे लोग साधक कहलाए जाते हैं, क्योंकि वो एक बात पर ज़रूर आकर रुक जाते हैं कि आखिर हम इस दुनिया में किस लिए आए। ये सवाल उनको बार बार खटकता है कि इस संसार में परमात्मा ने हमें जो जन्म दिया है वो किस लिए, इसका कुछ न कुछ अर्थ लगना चाहिए, कुछ न कुछ मतलब निकलना चाहिए। उनके अंदर जब ये भावना जागृत हो जाती है तब कहा जाता है कि वो एक साधक की तरह से खोज रहे हैं कि इस दुनिया में दिखने वाली माया से भी कोई चीज़ परे है या नहीं। और इस पर अपने देश में परंपरागत हजारों वर्षों से लोगों ने बहुत कुछ आख्यान लिखे हैं और बहुत सारे सत्य हमारे सामने रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा देश एक विशेष रूप से बनाया गया, ये देश योग भूमि है। इसी देश में बड़े बड़े महान संत साधु अवतरण हुए, क्योंकि ये देश इसी कार्य के लिए बनाया गया है। ऐसा कहा जाए तो प्रदेश में हम देखते हैं कि लोग बहुत उन्नति कर गए हैं और बहुत बढ़ गए हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, ये बड़ी भारी गलतफहमी हमारे अंदर है। सांसारिक चीज़ों को पाने से मनुष्य आनंद को नहीं पा सकता, ये आप स्वयं जा कर के वहाँ देख सकते हैं कि हम लोग उनसे कहीं अधिक सुख में और आनंद में हैं। कम अज़ कम यहाँ प्रेम की भावना कितनी ज़बरदस्त है और आपस में उस प्रेम की भावना से हम लोग अभी भी काफ़ी संतुलित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अगर आप प्रदेश में जाके देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं बताऊं, इंग्लैंड में हर हफ्ते में दो बच्चे माँ बाप मार डालते हैं, जो कि उनके लीगल बच्चे हैं, उनके कोई गलत बच्चे नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को, दो बच्चों को प्रति सप्ताह मार डालते हैं। इस तरह की चीज़ हम लोग सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को मार डाला जाए। हालांकि यहाँ इतने बच्चे होते हैं, वहाँ तो सिर्फ एक ही दो बच्चे होते हैं, पर उस पर भी वो अपने बच्चों को मार डालते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे पसंद नहीं है बच्चों की तकलीफ, तो उनको मार डालते हैं। ऐसी इतनी चीज़ें वहाँ होती हैं जिसका हमें अंदाज़ नहीं, हम जानते नहीं हैं। कारण ये है कि जब आप मशीन के सहारे चलने लग जाते हैं तो आपका भी हृदय मशीन के जैसे हो जाता है, और उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो भी उसी तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल सूखता हुआ, निष्प्राण इस तरह से काम को करता है, जैसे एक मशीन बगैर सोचे समझे किसी भावना के ही हर काम को कर सकती है, उसी प्रकार मनुष्य हो जाता है। अब मैं अगर ये बात कहूँ तो आपको लगेगा कि माँ कहाँ की पुरानी बात कह रही, लेकिन मैं तो वहाँ रहती हूँ और रोज़मर्रा देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
कि इन लोगों ने ये स्थिति प्राप्त करके उसे आत्मसात भी कर लिया और उसमें रह रहे, लेकिन उनमें ज़रा सा भी सुख या शांति का लवलेश भी नहीं। आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ कोई भी इंसान से आप बातचीत करिए तो पाइएगा कि वो इतना अंदर से अशांत है, इतना परेशान है कि हर आदमी वहाँ खोज रहा है कि इससे निकलने का कोई मार्ग होना चाहिए। और इसीलिए जहाँ हम सोचते हैं कि बहुत समृद्धि है, बहुत संपदा है, उस जगह में ऐसी हालत है कि लोग रात दिन ये सोचते हैं कि आत्महत्या कैसे की जाए। आपको पता नहीं कि स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, ये तीन देश बहुत समृद्धशाली हैं। और वहाँ से जब लोग मेरे पास आते हैं, जवान लड़के, जवान लड़कियाँ, बहुत छोटे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी आनंद नहीं उठाया, कोई भी सुख नहीं उठाया, वो जब आते हैं तो मैं देखती हूँ कि उनकी हालत ऐसी जैसे कोई शव की या प्रेत की हो। मैं पूछती, भाई तुम लोग करते क्या हो, ऐसी तुम्हारी हालत क्यों? कहते कि हम तो माँ यही सोचते रहते हैं कि आत्महत्या किस प्रकार की जाए। तो जो हम लोग दिमाग में ये बनाए बैठे हैं कि वो देश बड़ा उन्नतिशील है और हमको भी उनके जैसे उन्नति करनी है, तो मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए हमको रुक जाना चाहिए। ये तो ऐसा देश है कि जो सारी ही चीज़ों को पूरी तरह से फलीभूत कर सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि बाहर है, अंदर नहीं। हर मामले वही हाल अध्यात्म का भी है। अध्यात्म अंदर से पाने की चीज़ है, बाह्य से नहीं। कोई लोग सोचते हैं कि हम गेरुआ वस्त्र पहन के घूमें तो परमात्मा मिल जाएंगे, कोई सोचते हैं कि हम भगवान का नाम सुबह से शाम लेते रहें तो परमात्मा मिल जाएंगे। जहाँ देखिए वहाँ इस तरह के लोगों की कल्पनाएँ परमात्मा के बारे में हो गई। कोई लोग सोचते ये खान पीन छोड़ो तो मिल जाएगा, वो करने से मिल जाएगा। बाह्य से परमात्मा मिलना कहीं भी वर्णित नहीं है, किसी भी धर्म में बाह्य से परमात्मा मिलना वर्णित नहीं। यही कहा गया है कि बाह्य से ज़रा सा चित्त को हटाने के लिए अगर आप कोई ऐसा प्रयोग करें तो वो फलीभूत हो सकता है, लेकिन बाह्य के आवरणों से आप आत्मा को प्राप्त करिएगा ऐसा कहीं भी लिखा नहीं। तो इसे अंदर ही पाना। कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काय। सबने कह दिया कि जब तक अपने आत्मा को प्राप्त नहीं करिएगा तब तक भ्रम आपका जा नहीं सकता। माने ये कि जो आज आपके मानवीय चेतना में, इस ह्यूमन अवेयरनेस में जो भी कुछ आप जानते हैं उससे परे कुछ और जानने का है, उसे जानने के लिए आपको पहले आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप परमात्मा की बात मत करिए, वो तो दूर की बात है, पहले आत्मा ही की बात करो, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं प्राप्त करोगे तो ये बेकार की बातों से लोग दुनिया भर की चीज़ें करते रहेंगे और असलियत पे नहीं रहेंगे। यानी वहाँ तक उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवाद था। उसी प्रकार महावीर जी ने भी यही प्रयत्न किया, समकालीन थे, उन्होंने दोनों ने यही प्रयत्न किया, चलो थोड़ी देर छोड़ ही दो, सिर्फ आत्मा ही की बात। जब आत्मा को प्राप्त करोगे तब फिर हम परमात्मा की बात करेंगे, उससे पहले उसकी बात करना व्यर्थ ही है, क्योंकि जिसके पास आँख ही नहीं उसके पास रंग की बात क्या की जाए। लेकिन ये सब होते हुए भी, इतनी असलियत होते हुए भी, हम लोग जो कि इस भारतवासी हैं और जो कि इस भूमि पर, इस योग भूमि पर पले हुए हैं, जो कि इतनी महान भूमि है कि इसका वर्णन नहीं करा जा सकता, हम लोग इससे अपरिचित रहते हैं। वजह यह हुई है कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज्य आ गया, अंग्रेज़ों ने हमारे पर छाप डाल दी, हम खुद ही अंग्रेज़ होने के फिक्र में लगे हुए हैं। जब तक स्वतंत्रता नहीं थी तब तक कुछ भला था हाल, अब तो जब से स्वतंत्रता हो गई तो हम लोगों के बेअंदाज तरीके शुरू हो गए कि हम उसी चक्कर में फंसना चाहते हैं जिसमें ये लोग घूम रहे हैं। लेकिन जैसे कि कोई विशाल वृक्ष खड़ा हो जाए और वो अपने जड़ों को न जाने, उसी प्रकार इस सृष्टि की आज हालत है। ये सारा जो उन्नति पथ पे चला हुआ पाश्चिमात्य देशों का समूह है, ये सिर्फ एक विशाल वृक्ष के जैसा है जिसने अपने जड़ों को नहीं जाना अंदर से। और इसके जड़ों को जानने का कर्तव्य हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ही ने शुरू से जड़ों की बात की है और जड़ों के बारे में हम ही को ज्ञात है। परंपरागत हम देखिए तो 14,000 वर्ष पूर्व से ही मार्कंडेय ने, जिसने कि बड़ा तपस्या का और त्याग का अनुदान दिया था, उन्होंने कुंडलिनी की बात 14,000 वर्ष पूर्व की थी। और हमारे यहाँ इंद्र को कहते हैं 16,000 वर्ष पूर्व आत्म साक्षात्कार हुआ था। ये हमारी परंपरा इस देश की है, हमने हमेशा जड़ों को खोजा है।
कोई भी आप संत साधुओं को देखिए जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने भी इस पर लिखा है, यही कहा है कि अपने आत्मा को प्राप्त करो। लेकिन हम लोग उसमें भी एक चीज़ नहीं समझते हैं कि ये सहज है, सहज समाधि लाभ। कबीरदास जी कहेगा सहज समाधि लाभ। सहज का मतलब ये है कि सह माने आपके साथ, ज माने पैदा हुआ, आप ही के साथ पैदा हुआ, ये योग का अधिकार आपके अंदर स्थित है। जब ये कहा गया है उधर चित्त किसका जाता है? लोग तो और ही चीज़ें कर रहे हैं, मंदिरों पे मंदिर बन रहे हैं, दुनिया भर के धर्म स्थापन हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही, लेकिन जो अंदर से पाने की बात है उधर किसी का चित्त नहीं। इसीलिए आज जो हम देखते हैं धर्म की अनास्था, धर्म की ग्लानी, इतना ही धर्म धर्म में झगड़ा, ये अशक्य बात है, क्योंकि सत्य एक ही है, विश्व का ही धर्म एक ही है, वो है आत्मा को प्राप्त करना। और जिस धर्म में ये नहीं होता है वहाँ हम अपने एक एक फूल जैसे कि इस वृक्ष में लगे हुए हैं, इस परमात्मा के वृक्ष में लगे हुए इन फूलों को, इन अवतारों को, इन संतों को, साधुओं को तोड़ डालते हैं और उस मरे हुए फूलों को अपने दिल से चिपका कर ये मेरा धर्म कह करके आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये कभी भी धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म जो चीज़ है जब आप उसे प्राप्त करते हैं तो वो संतुलन आपको मिलता है, जिस संतुलन के कारण आप ऊपर उठ सकते हैं। और जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर सामूहिक चेतना जो है आपके नसों में आ जाती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप महसूस करते हैं कि सामूहिक चेतना क्या। हमारी उत्क्रांति, हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है, आज अमीबा से हम इंसान बने, उसमें कौन सी आपने मेहनत की थी जो आप इंसान बन गए, जो आज मेहनत करनी पड़ेगी? अगर ये सारा उत्क्रांति का ही एक रचनात्मक कार्य है, उसी का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो उसमें आपको कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए कि आपको इसका अंतिम चरण प्राप्त करना है? कोई सी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसे कहते हैं वाइटल चीज़ है। इसके लिए अगर आपको मेहनत करनी पड़े तो हो गया। अगर कल हमें अपने श्वास लेने के लिए ही किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़े और उसके बारे में जानना पड़े तो हम तो यहाँ कितने लोग जीवित रहेंगे? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज है वो है अपनी आत्मा को प्राप्त करना, न कि ये कि फालतू चीज़ों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, जिससे कि हम एक तामसिक बन जाएं या हम राजसिक बन जाएं, पर सात्विकता में खड़े होकर के अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। और आज निसर्ग भी हमारे पीछे हाथ धोकर लगा हुआ है, जिसे कि हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया है। कहते तो सब हैं लेकिन उधर चित्त हमारा नहीं। आज सारी सृष्टि में जो बड़ा कलह सा मचा हुआ है, दुनिया भर के लोग जो आपस में आतंक मचाए हुए हैं, और आज एटम बॉम्ब जो आपके सर पे लदा हुआ खड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक मनुष्य सामूहिक चेतना में जागरूक नहीं होगा, आप शांति की सिर्फ बातचीत एक वाचालता मात्र है, जिसे कि शब्द जालम कह करके और आदि शंकराचार्य ने बहुत गिराया। तो इस वक्त ये जानना है कि हम जो मनुष्य चेतना में हैं, हम सब कुछ नहीं हैं। अभी तक हमने अपना जो है अंतिम चरण पाया नहीं, इसीलिए हम भ्रम में बैठे। हमारे अंदर आज भी जो ये वैमनस्य है और जो द्वेष, ईर्ष्या आदि जो हमको एक दूसरे से अलग हटाता है, ये जो भावना है, इसका कारण यह है कि अभी तक हमारे अंदर वो चेतना जागरूक नहीं हुई जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। और ये चेतना हमारे अंदर जागरूक होनी चाहिए। ये यूंग जैसे एक बड़े भारी साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि पहले फ्रॉइड के शिष्यत्व किया था, फिर उसको पूरी तरह से उन्होंने धिक्कार किया, उन्होंने साफ साफ किया है कि जब मनुष्य ऊँचा उठेगा तो उसके अंदर सामूहिक चेतना जागरूक। वल्लभाचार्य ने कहा है कि वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीर पराई जाने रे। वो बुद्धि से जाने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं आत्मा के ही प्राप्ति की बात करते थे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुद्धि से जानिए इसे क्या तकलीफ है, तो डॉक्टर लोग जानते ही, लेकिन अपनी आत्मा से जाना जाता है। और आत्मा से जानने के लिए आपके अंदर जब ये चैतन्य की लहरियाँ बहना शुरू हो जाती हैं, जब आपके हाथ से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, तो आप उंगलियों के इशारे पर जानते हैं कि कौन सी जगह इस आदमी को शिकायत है और कौन सी जगह आपको शिकायत है, और उसको ठीक करने का इंतज़ाम अगर आप जाने, या उसके लिए आप में उतनी तितिक्षा आ जाए, या जिसे आप कहिए कि उसके लिए आपके अंदर एक्सपर्टाइज आ जाए, तो आप स्वयं बैठे बैठे इसे ठीक कर सकते हैं। और कैंसर और ये जो बीमारियाँ जिससे कि आज दुनिया सारा
आतंक में फंसा हुआ है, सारी दुनिया में एक आफत मची हुई है, वो सारी की सारी नष्ट हो सकती है और ये दिन आज आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। छोटेपन में एक बार कबीरदास जी को पढ़ा था, वो कहा था पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये, तो मैं कहती थी पंडित कैसे मूर्ख हो जाएंगे। सो मुझे आजकल दर्शन बहुत होता कि शब्द जाल में फंसने में हमें बड़ा मज़ा आता है, शब्दों के जाल में, शब्द के झगड़े, शब्दों पे लड़ाई करना और इससे अपने को कुछ तो भी विशेष रूप से मैं ये हूँ मैं वो हूँ कहना। आप सिर्फ मानव के सिवा और कुछ नहीं है और आपको अति मानव होना चाहिए। अब आप क्या हैं क्या नहीं हैं, आपके अंदर क्या चीज़ है, इसे एक आप शास्त्रज्ञ के साइंटिस्ट की दृष्टि से जानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि दिमाग पहले से बंद कुन कर लिया, हमारे फलाने गुरु साहब हैं उन्होंने तो ये कहा था। आपने उनसे कुछ अगर आज तक पाया नहीं तो कम से कम अपने बुद्धि को खोल कर सोचिए कि आपके अंदर जो व्यवस्था बनाई है ये सहज मैंने आप ही के साथ प्राप्त हुई है, आपके जन्म के साथ आपकी कुंडलिनी आप ही के साथ आई। अब इस कुंडलिनी पर भी लोगों ने ऐसे ऐसे वचन लिखे हैं कि जो सुनकर मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने लिखा है, जिससे आदमी एकदम घबरा जाए। ये साक्षात आपकी अकेली अपनी वैयक्तिक आपकी इंडिविजुअल मदर है, ये क्या आपको तकलीफ दोगी या ये परेशान करेगी? जो माँ जिसने आपको जन्म दिया उसने बेचारी ने तो सारी तकलीफें खुद उठाकर आपको जन्म दिया, तो ये जन्म जन्मांतर की जो आपकी माँ है क्या ये कुछ आपको तकलीफ दे सकती? इस तरह की बात वही कहते हैं कि जिन अनधिकार चेष्टा जिसे कहते हैं, जो आदमी इसका अधिकारी नहीं होता और वो करना चाहता है कि मैं कुंडलिनी को जागरूक करूं, तो ज़रूर है गणेश जी हाथ मारते हैं और तकलीफें शुरू हो जाती हैं, पर कुंडलिनी का इसमें हाथ नहीं। गणेश जी जो हमारे अंदर एक अबोधिता बन के जी रहे हैं, हमारे अंदर जो जागरूक हैं, हमारे अंदर जो चक्र सबसे नीचे, इसमें ज़रा स्पष्ट रूप से नहीं है तो इन लोगों ने कुछ छपा पा लिया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं, आप जब किताब लीजिएगा जो पहला जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं उसमें साक्षात बैठे। लेकिन अब ऐसे दिन आने वाले हैं कि प्रदेश से लोग आकर के गणेश जी समझाएंगे, क्योंकि हमारे पास फुर्सत कहाँ है, तो बड़े बिजी लोग हो गए। कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं? सिर्फ इसके कि सरदर्द, टेंशन, प्रेशर्स, कैंसर, ये बीमारी वो बीमारी, सब जोड़ते चले जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन जो आपकी धन संपदा अंदर में है, जो आपकी विशेष चीज़ अंदर में है, उसे क्यों न पालें? और जब वो सहज है, ये भी जान लेना चाहिए कि ये सहज जो हमारे अंदर घटना घटित होती है, ये जीवंत क्रिया, ये कोई मरी हुई क्रिया नहीं है। जैसे कि आप एक बीज है उसको पनपाना चाहते हैं, अगर उसको आप इस माँ की गोद में डाल दीजिए तो अपने आप उसके अंदर अंकुर आ जाते हैं। उसके लिए कौन सी आप तनख्वाह देते हैं इस माँ को जो रात दिन मेहनत करती है, या उसे कौन सा आप रुपया पैसा देते हैं, या कौन आप सर के बल खड़े होते हैं? ये तो उसकी माँ की अपनी शक्ति होती है जिसके दम पर वो अपने आप से ही अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार ये भी एक सहज चीज़ है जो कि जीवित चीज़ है, और जो मनुष्य परमात्मा के नाम पर पैसा इकट्ठा करता है उस आदमी से आपको सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए। और वो हमेशा ऐसे लोगों के इंतजाम में रहता है कि किसके पास ज़्यादा पैसा, किसको कितना ऐठा जाए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी परमात्मा की बात करता है उसकी नज़र ही पैसे पे नहीं रहती, उसको क्या मतलब है कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं, वो तो ये देखता है आपके पास धर्म की संपदा कितनी है और आप कितनी परमात्मा को पा सकते। लेकिन हम इस चक्करबाजी में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इससे परे कोई चीज़ हो सकती। दूसरा और भी चक्कर हमारे यहाँ चलता है कि कोई अगर आदमी सोशल वर्क करता है, जो कि किसी के अस्पताल खोल दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दी, स्कूल खोल दिया, ये कोई परमात्मा के काम है, ये तो मनुष्य के काम है, या आपके सामाजिक कार्य हैं आप करें, इससे कोई परमात्मा को मतलब नहीं। लेकिन जब कोई परमात्मा का आदमी ठीक करता है तो उसे ज़रूरी नहीं अस्पताल खोले, वो तो एक नज़र में भी आपको ठीक कर सकता है, उसकी नज़र में ही वो शक्ति होती है कि एक नज़र से, एक कटाक्ष से, कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण कहा गया है देवी के लिए, कि एक कटाक्ष में ही वो आपको ठीक कर सकते हैं, एक नज़र से में वो ठीक कर सकते हैं अगर वो वाकई परमात्मा के आदमी हैं। तो इस तरह की गलतफहमी में रहना कि हमने यहाँ धर्म में पैसा दे दिया, वहाँ धर्म में पैसा दे दिया, और या तो फिर अपने को भूखा मारते रहते हैं सुबह से शाम तक हम लोग, इतनी गलतफहमी में है, ये उपवास करना है, वो उपवास करना है, जिस चीज़ का आप शौक फरमाते हैं वही हो रहा है, अपने देश में भूखमरी हो रही।
मैं किसी से कहूँ कि भाई क्यों उपवास करते हो परमात्मा के नाम पर, क्यों उसको दुख देते हो? खासकर माँ को तो बहुत दुख होता है, अगर माँ से झगड़ा हो जाए तो हम कहते चलो आज खाना बंद, बस माँ को उससे बढ़ के और दुखदायी क्या चीज़ कि मेरे बच्चे ने नहीं खाया, होगा उसके प्राण निकाल डाले आप। लेकिन उपवास करने में हम लोग बड़े होशियार, उपवास तो ऐसे ही देश में हो रहा है, उसकी वजह से क्या भगवान आने वाले हैं उनके अंदर? बुद्धि को ताक पर रख करके जो लोग धर्म करते हैं वो कभी कभी बड़े भारी अधर्म में फंस सकते हैं, इसलिए बुद्धि को त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं कि पागल जैसे माला जप रहे, माला जपने के लिए भी आपको जानना चाहिए कि परमात्मा से आज तक आपका संबंध नहीं हुआ। अगर हमारा आपसे संबंध नहीं हो और आप हमारा नाम लेते रहें तो क्या आप हमारे हमें प्राप्त कर लेंगे? ये अगर ये जो मशीन आपके सामने है इसका संबंध जब तक मेन से नहीं होगा क्या आप इसको व्यवहार में ला सकते हैं? जब तक आपका संबंध परमात्मा से हुआ ही नहीं तो आप किसको पुकार रहे हैं? जब तक आपका टेलीफोन ही जुटा नहीं है तो आप किसको बुला रहे हैं? तो कह लें हमने 108 नाम इसके लिए हैं, 1,00,000 उसका किया है, किसने कहा आपसे? ये तो सब पैसे भरने वालों की बात होती है कि तुम 1,00,000 जपते रहो और 1,00,000 इधर दे दो। हम लोगों को अपनी बुद्धि को सजग रखना चाहिए, पर इस वक्त जो बुद्धिमान लोग हैं वो अंग्रेज़ों की तरफ घूम गए, या तो अंग्रेज़ों की तरफ घूम रहे हैं या अमेरिका की तरफ घूम गए हैं या पता नहीं और कहाँ उनका दिमाग। ये देखिए कि हमारे ही अंदर, बुद्धि से जानिए कि हमारे ही अंदर इसी देश के अंदर इसका भंडार पड़ा, और उस भंडार से जब आप लाभित होंगे, आपका सृजन होगा, तो आप सारे संसार को इससे जागृत कर सकते हैं, सारे संसार में आप शांति फैला सकते हैं। इतनी महान चीज़ है इस देश में जन्म लेना। क्या आप लोग जानते हैं कि कितने महापुण्यों के बाद ही मनुष्य देश में जन्म लेता है? इसमें साक्षात विश्व की कुंडलिनी बैठी हुई है, देश आपका है। यहाँ जितना पुण्य कर्म हुआ है कहीं नहीं हुआ। आपको आश्चर्य होगा, मैं मेरे पति के साथ लंदन से आ रही थी और आते ही साथ मैंने इनसे कहा कि चलो हिंदुस्तान तो आ गया, उनका कैसे जाना? मैंने कहा सबदूर चैतन्य बह रहा है और क्या, यही तो मेरा देश है। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, वो गए और पायलट से जाके पूछा, उन्होंने कहा कि अभी 1 मिनट पहले भी टच्ड आवर शोर्स। ये हमारा महान देश है। अभी डॉक्टर वॉरेन आ रहे थे, हम लोग हांगकांग से लौट रहे थे स्विट्ज़रलैंड से, तो सट से उन्होंने कहा कि माँ आ गया हिंदुस्तान। मैंने कहा क्यों? कहले मेरी कुंडली चढ़ गई एकदम फटाक से। मैंने जाके पूछा, कहले हाँ अभी टच हुआ कलकत्ता। ये अपना महान देश है जहाँ चैतन्य की लहरियाँ बह रही, इतना सागर चैतन्य का यहाँ पर है, और यहाँ हम अनभिज्ञ की तरह अपरिचित बने हुए अंग्रेज बन रहे हैं, ये कोई अकलमंदी की बात नहीं। मैं आपसे एक माँ की तरह से बता रही हूँ कि आपके अंदर ये शक्ति निहित है और इतनी ज़बरदस्त है आपके अंदर, क्योंकि आप हिंदुस्तानी हैं, कि हिंदुस्तानियों को पार कराने में ज़रा भी मुझे समय नहीं लगता। एक क्षण में लोग पार हो जाते हैं, खासकर हमारे देहातों में तो हज़ारों आदमी आज पार हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर शहरों में काम कम करती हूँ, क्योंकि शहर के लिए ना इधर के रहे ना उधर के रहे कुछ गड़बड़ काम है, लेकिन ज़्यादातर मैं देहातों में काम करती हूँ। देहात में मनुष्य में शक्ति, भक्ति, सब चीज़ काफ़ी अभी भी है, और लाखों लोगों को रियलाइजेशन हो चुका है महाराष्ट्र में, आप आश्चर्य करेंगे। हालांकि राजस्थान में आज ही मैंने पहले ये प्रोग्राम किया है और मुझे पूर्ण आशा है कि राजस्थान में ये कार्य होगा। विशेषकर मैं स्वयं भी, मेरे बाप दादे बहुत पुराने हम लोग राजपूत ही हैं, मतलब शालीवाहन का नाम आपने सुना होगा, उसी के खानदान के हम लोग हैं, तो हम राजपूत ही हैं और ये भूमि मेरे बाप दादाओं की है, और मुझे यहाँ बहुत कार्य करने का। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पहले अपने आत्मा को पहचानिए, आत्मा को प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही आपकी अनेक बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, उसका तो कोई विशेष है ही नहीं, जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। और उसके बाद आपके अंदर की मानसिक शांति स्थापित हो जाएगी, आपको आनंद आएगा। पर कोई भी दीप आदमी जलाता है तो वो इसलिए नहीं कि उसको टेबल के नीचे रखा जाए, पर इसलिए कि लोग उसे प्रकाश से प्रकाशित हों। इसीलिए जो आदमी एक बार पार हो जाते हैं उनको थोड़ा सा इसमें जानना चाहिए और उसके बाद लोगों को देना चाहिए। बहुत ही सहज बात है, बहुत ही सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं, जिसे कि हम कह सकते हैं कि योग के दो अर्थ होते हैं।
एक ही अर्थ ये होता है योग का, सर के बल खड़ा होना और व्यायाम आदि करना, ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अष्टांग योग में का 1/16 पार्ट एक में का हो उतना सा है। और उसके लिए भी ये जानना चाहिए कि हर कुंडलिनी कौन से चक्र पे रुकी हुई है। जब तक कुंडलिनी ही चली नहीं तब तक आप कौन सा अपना इलाज कर रहे हैं, कौन सा चक्र आपका पकड़ा है वो तो पहले देखिए, नहीं तो हो सकता है कि आप इलाज कर रहे हैं पेट का और बीमारी आपके सर में या आपके कंठ में कहीं हो। इसलिए पहले कुंडलिनी को चढ़ने दीजिए, जब वो चढ़ती तो अपने ही आप जानिएगा कि आपको शिकायत कहाँ है, क्या है, उसे आप ठीक कर लीजिए। पर हम लोग जो थोड़ा सा उस बात को योग बनाए हुए हैं, इसका कारण ये कि कुछ लोग हिमालय गए थे और उनके कुछ बेकार लोग थे तो उनको वापस भेज दिया गया, उन्होंने शुरुआत में वही सब व्यायाम वगैरह सीखा, वही आके सिखा दिया, उसी का नाम योग हो गया। योग का एक अर्थ होता है जो कि सबसे बड़ा और महान अर्थ है कि परमात्मा की जो सब सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार होना, ये एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ होता है युक्ति से, कोई ऐसी युगति करो नंदलाल कहा जाता है, कोई ऐसी युगति करो, युगति माने जोड़ देना और युक्ति माने, देखिए शब्द हमारे यहाँ बनाए भी कितने सुंदर हैं कि युक्ति, युक्ति माने के उसकी ट्रिक यानी उसके प्रवीणता एक्सपर्टाइज वो सीख लेना, ये योग का अर्थ है। योग कौशलम, कौशलम उसकी डेफ्टनेस जिसे कहते हैं, ये सीख लेना। तो सिर्फ योग को प्राप्त करने से नहीं होगा, उसका एक्सपर्टाइज भी सीखना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप पैसा वगैरह कुछ दे नहीं सकते, ये समझ लीजिए। अंग्रेज तो इतने अकलमंद हैं कि मुझसे कहने लगे कि एंग्लो सेक्सन ब्रेन ये समझ ही नहीं सकता कि आप बगैर पैसे का ये काम करते हैं। मैंने कहा इतना गया बीता एंग्लो सेक्सन का ब्रेन है तो रहन दो उसको, बेकार की चीज़। लेकिन हम तो इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि परंपरागत इस देश में अनेकों ने इस कार्य को किया हो, लेकिन उस वक्त एक दो ही फल लगते थे, एक ही दो पार होते थे। जैसे कि राजा जनक ने एक नचिकेता को ही पार कराया था, उन्हीं को आत्मदर्शन था। लेकिन आज जो है सामूहिक चेतना का समय आ गया है, ये विशेष समय है, इसे मैं कहती हूँ कि बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम आया है। इस वक्त बहुत से फूलों को फल होना है, अगर नहीं हुआ तो इस संसार का सर्वनाश ही होने वाला है। मैं तो नहीं सोचती कि एटम बॉम्ब से हमारा सर्वनाश होगा, हमारा सर्वनाश होगा हमारे ही अंदर से उखड़ जाने से, हमारे ही जड़ों से हट जाने से। हमारा सर्वनाश कोई भी तरह से हो सकता है, या तो हमारी शारीरिक ह्रास हो जाए, या मानसिक ह्रास हो जाए, या सांपत्तिक ह्रास हो जाए, किसी भी तरह से हमारा नाश हो ही सकता है जबकि हम अपने जड़ों तक नहीं पहुंच सकते। एक एक सर्वसाधारण जीवन का रहस्य है कि जिसके पास में जीवन का स्रोत बहता नहीं वो कब तक जी सकता है। इसलिए उस जीवन के स्रोत को पाना चाहिए, उसको जानना चाहिए। इसकी इच्छा उत्कंठा जब होती है तभी उसे साधक कहा जाता है। आशा है आप लोग भी इसी इच्छा से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और कहने का यह है कि समय कम है और एक लेक्चर में सारी पूरी बात तो बता नहीं सकती मैं। लंदन में कम से कम कहते हैं लोग कि सिर्फ लंदन में हमारे 3000 लेक्चर्स हुए हैं, और ये मराठी भाषा जो कि मेरी मातृभाषा है उसमें तो कम से कम 5000 लेक्चर हो गए, और हिंदी में भी करीबन लोग कहते हैं कि 3-4000 भाषण हो चुके हैं। तो अब इतना करने पर भी अभी भी जो भी कह रही हूँ उसका कोई अंत नहीं। आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप लोग पहले ये सब जानने से उस दीप को पालें जो आपके अंदर स्थित है, यह आप ही का अपना है, मुझे उसमें कोई खास चीज़ करने की नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आत्मा आपके हृदय में बसा हुआ है। सिर्फ कुंडलिनी का जागरण मेरी उपस्थिति में पहले होगा, उसके बाद आपकी उपस्थिति में भी हो सकता है। एक दीप जो जला हुआ है वही दूसरे दीप को जला सकता है, इसमें कौन सा लेना देना लगता है। और आप दे भी क्या सकते हैं और हम ले भी क्या सकते हैं। जब हम लेने से असमर्थ हैं तो आप देने से भी असमर्थ हो ही जाएंगे, क्योंकि जब हम ले ही नहीं सकते तो आप देंगे। देना सिर्फ यही है कि प्यार, प्यार जो है परमात्मा का जब आपके अंदर आता है तो उसमें कोई उसके अंदर खिंचाव नहीं रह जाता, जिसे कहते हैं कि कोई तरह की वासना नहीं रह जाती। वासना रहित अत्यंत शुद्ध प्रेम आपके अंदर से शक्ति स्वरूप बहता है, ये प्रेम की शक्ति जिसको हमने कभी भी जाना नहीं और इस्तेमाल नहीं किया। हम तो सिर्फ विद्वेष, हिंसा और घृणा की ही शक्ति को आज तक इस्तेमाल करते आए, आज तक इस सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति को हमने नहीं जाना।
वो जब हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाती तभी हम समर्थ होते, और समर्थ होते ही सब तरह की बुरी आदतें, सब तरह की गंदगी सब छूट करके एक साधु संत बन जाते हैं। और जिसके लिए कहा गया है कि पार उतर गए संत जनारे, उसके लिए घर द्वार छोड़ो, बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, ये सब तमाशे करने की ज़रूरत नहीं, फिर से बाह्य में आने की ज़रूरत नहीं है। अंदर ही से चीज़ जो छूट जाए वही असली है, बाहर से उसका क्या अनाउंसमेंट करने का कि हम सन्यासी हैं, हम बाबा जी हैं, ये तो वो लोग करते हैं जिनको इसके दम पे रुपया कमाना होता है। और फिर मनुष्य सहज में ही सबको देता है, सहज में ही देता है, उसमें कुछ ये नहीं कि साहब मैंने दिया। तब तो आदमी अकर्म में बोलता है, जो सारा गीता में बताया गया है कि तुम अकर्म में आ जाओ, लेकिन उसमें भी थोड़ी चक्करबाजी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बड़े भारी डिप्लोमेट थे, उन्होंने सोचा सीधे उंगली तो घी नहीं निकलेगा, तो उन्होंने थोड़ी टेढ़ी उंगली करके आप लोगों को बताया हुआ, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैं तो असलियत बता दूंगी, ये टेढ़ी उंगली बताई हुई है, उस रास्ते में आपने काफ़ी चक्करें काटी हैं, आप सीधे सीधे आ जाइए। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो एक गाड़ी चला रहा है और घोड़ा पीछे है, तो बाप बाहर आया तो बाप ने कहा कि चलो भाई घोड़े को जो है आगे लगा लो, जब स्थित प्रज्ञ हो जाओ फिर उसके बाद बात करेंगे। तो लड़के ने कहा, अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हो, लेकिन ये कैसे, आप तो इधर कह रहे हो कि तुम साक्षी हो जाओ, उधर कह रहे हो तुम युद्ध में जाओ। उनका इनके बस का नहीं, चलो इनको उल्टा बताया कि चलो ठीक है तुम घोड़ा मत लगाओ सामने, तुम ऐसा करना चित्त अपना घोड़े पर रखो, घोड़ा ज़रूर चलेगा, और ना चलने वाला है। ये डिप्लोमेसी की खासियत है, क्योंकि मेरे पति भी एक डिप्लोमेट है, मैं जानती हूँ कि जो भी कंडीशन रखी है एब्सर्ड रखी, एब्सर्ड कंडीशन रखी है तो आदमी फिर हार के लौट आएगा कि भैया ये तो होने नहीं वाला, तो फिर दूसरी कंडीशन पे उतर आता है। यही कृष्ण की बात है कि कृष्ण ने एक एब्सर्ड कंडीशन रखी, जब घोड़ा पीछे है तो आप आगे जाएंगे कैसे। तो उन्होंने उस पर बहुत कमाल किया है, जैसे कि भक्ति में उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है वो मुझे दीजिए, और देते वक्त का अनन्य भक्ति करिए, अनन्य शब्द पे खेल गए। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, माने कब नहीं होता दूसरा, जब आपका संबंध उससे हो जाए तब ना, उनकी चक्करबाजी में ना आइए, क्योंकि वो जानते थे कि इंसान इतना गड़बड़ है, वो तो 6000 वर्ष पूर्व की बात थी, लेकिन उन्होंने इसलिए ये चक्कर चलाया कि इंसान की खोपड़ी उल्टी, हम खुद देखते हैं रोज़मर्रा हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं कि वो सीधे आते ही नहीं, वो गोले ही घुमाना पड़ता है जब तक, फिर उसको ये लोग कहते हैं माँ अपने माया उन पर कर दी, मैं कुछ नहीं करती माया वाया, लेकिन वो सीधे वो चीज़ जो है नाक के सिधान में उसे नहीं देखेंगे, उल्टे घूमेंगे, और जब उल्टे घूमते हैं, इनसे पूछ लीजिए बताएंगे किस्सा जो बैठे हुए, जब उल्टे घूमते हैं तो कोई ना कोई चक्करबाजी करनी पड़ती, बताओ क्या किस्सा। अच्छा, तो वो चक्करबाजी थोड़ी सी चलानी पड़ती, उसके बगैर तो इंसान की खोपड़ी में घुसता नहीं, लेकिन ये बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो सीधे सरल आँख के सिद्धांत पे चले जाते, और हिंदुस्तानियों में एक विशेषता है कि बहुत जल्दी प्राप्त करते, क्योंकि उनका धर्म अभी भी स्थित है, अभी भी वो माँ बहन जानते हैं धर्म पे खड़े। अब गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत धक्का देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, गवर्नमेंट माने जो भगवान का गवर्नमेंट है वो ठीक रखने से बहुत काम हो सकता है, पर उसके बाद मनुष्य अपने ही आप अत्यंत सच्चा, बिल्कुल पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है, उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती, लक्ष्मी उसके पैर पे लौटती है, उसको क्या करना है, रिद्धि सिद्धि जिसके घर में पानी भरती है उसको क्या करने का है सब चीज़ दौड़ने से, जो कहिए वो हो सकता है। पर पहले परमात्मा का जो साम्राज्य है उसमें आप पदार्पण करिए, परमात्मा आतुर है कि आप आइए, आसनिस्थ होइए, आराम से बैठिए, इस चीज़ को प्राप्त करें, जो आपकी अपनी शक्ति है उसे आप प्राप्त करें, और ये बहुत सहज है, बहुत सरल है, इसे प्राप्त करना ही एक परम कर्तव्य है, और बाकी सब व्यर्थ, सब बेकार की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करने से एक सीधी बात है कि परमात्मा को अपने अंदर पा लीजिए, जो आपके अंदर बसा हो। मैं इतना ही आज कहूँगी, और अभी चाहें तो हम इसका अनुभव भी शायद हो कि हो जाए, तो इसलिए उस तरफ हम लोग अग्रसर हों, और कोई आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि प्रश्न तो ज़रूर होंगे ही, लेकिन प्रश्न हो जो कि इस विषय से संबंधित हो ठीक है, नहीं तो कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि राजीव गांधी कितने साल तक यहाँ गद्दी पर रहेंगे। अच्छा, अभी शुरू करवा देते हैं, आप तो भटके से हमारे घर आ गए थे, भूले भटके से, हमारे पति के मित्र हैं बहुत ज़्यादा और हमारे चक्कर में फंस गए तो अब आप लोग इसको प्राप्त करें, और प्राप्त करके और इसको, इसे मैंने कहा था कि इसे सीख लें कि क्या चीज़ है इसकी डेप्थनेस, इसकी जो है, अब हर चीज़ के लिए हमारे पास समय है,
लेकिन परमात्मा के लिए समय नहीं। लेकिन जब विकट समय आता है फिर इंसान सोचता है कि भाई क्या बात है, ऐसे क्यों हो गया और ऐसे हमें तकलीफ़ हो गई, अब हमें माँ आप ठीक कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि आप स्वयं भी ठीक हो जाइए और सबको ठीक करें। इसमें कोई आपको बहुत समय देना नहीं पड़ता है, घंटों आपको मेडिटेशन नहीं करना पड़ता है, आप स्वयं ही ध्यान में चले जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। हम तो खुद ही, आप पूछ लीजिए कि हम खुद ही एक हाउस वाइफ हैं और हमारी भी लाइफ बहुत बिजी रहती है, हमारे पति भी बहुत बिजी आदमी हैं और हमारे खुद ही ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सब संभालते हुए, क्योंकि आदमी इतना ज़्यादा विशेष रूप से इतना शक्तिवान हो जाता है, इतना डायनामिक हो जाता है कि वो 2500 कामें करता है, उसको थकान नहीं आती, उसकी उम्र नहीं चढ़ती, उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती, अव्यग्र वो कार्य करता है और चीज़ से हट करके उसे देखता है। जब आप उससे हट कर देखते हैं तब उसके जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप बहुत सुव्यवस्थित रूप से उसको ठीक कर सकते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करना बहुत आसान है, पर उसको जमाना, बीज का अंकुरना आसान है, लेकिन उस पेड़ को जमाना और उसका वृक्ष बनाना कम से कम थोड़ी सी उधर इच्छा हुए बगैर हो नहीं सकता। इसलिए मेरी विनती है कि पार होने के बाद भी, कल भी एक मीटिंग है, उसमें आप लोग ज़रूर सब आइए और उसके बाद आप ये क्या चीज़ है इसे समझ लीजिए और इसमें आप कार्यान्वित होइए। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए मुझे। आपके तो खूब वाइब्रेशंस चल रहे हैं।